हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल कल्याणी एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे जो कि रिलेटेड हैं चैप्टर द न्यू प्लेयर इन द टीम रिटन बाय मीनाक्षी जी जैन, और ये चैप्टर है एमपी बोर्ड इंग्लिश जो कि जनरल टेक्स्ट बुक है द स्प्रिंग ब्लॉसम, उसका लेसन 6 है क्लास 10th। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट वी विल कवर आंसर दिस क्वेश्चन वन और टू सेंटेंसेस। तो हम उन क्वेश्चंस को करेंगे जिनमें हमें एक या दो सेंटेंसेस में आंसर लिखने हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाई वाज ममता सिलेक्शन इन द स्कूल टीम अ सरप्राइज टू एवरीवन। तो ममता का स्कूल टीम में जब सिलेक्शन होता है तो वो सबको सरप्राइज कर देने वाला क्यों था? So answer, Mamta's selection in the school team was a surprise to everyone because she had joined the school only a month before. क्योंकि ममता ने स्कूल ज्वाइन किया था केवल एक महीने पहले, before means पहले, okay? Next question है, what qualities did the coach notice in Mamta? वो क्या गुण था, क्वालिटी थी जो ममता के कोच ने उसमें देखा? सो द कोच नोटिस्ड, कोच ने नोटिस किया द क्वालिटीज इन ममता दैट हर पासेस वर गुड, जो बॉल पास करने का जो क्वालिटी है वो ममता में बहुत अच्छी थी, एंड शी वॉज ऑल्सो फिजिकली फिटर देन एनी वन एल्स, और साथ ही वो उन सभी लड़कियों से टीम में ज़्यादा फिजिकली फिट थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डिड हर क्लासमेट्स बिहेव विद हर। ममता के जो क्लासमेट्स थे वो उसके साथ कैसा बिहेव करते थे? तो आंसर क्या होगा, ममताज क्लासमेट्स ट्रीटेड हर एज एन अनवेलकम गेस्ट हु वॉज टू लो इन स्टेटस बाय देयर स्टैंडर्ड्स। तो ममता के जो क्लासमेट्स थे वो उसको ऐसे ट्रीट करते थे अनवेलकम तरीके से, जैसे हमारे घर में कोई आता था हम स्माइल के साथ स्वागत करते, लेकिन अनवेलकम बेमन से स्वागत करना, इस तरह से उसका टीम में वेलकम किया। और क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड फैमिली से नहीं थी, एक टाउन से रिलेटेड थी, छोटे से कस्बे से आई हुई थी, और जबकि उस स्कूल में सारी गर्ल्स जो थी वो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड थी, इसीलिए उन लोगों ने ज़्यादा अच्छे से उसको ट्रीट नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाई डिड द गर्ल्स रिफ्यूज टू मेक ममता देयर फ्रेंड। तो ममता को अपना फ्रेंड बनाने से सारी गर्ल्स ने क्यों मना कर दिया था? द गर्ल्स रिफ्यूज टू मेक ममता देयर फ्रेंड, गर्ल्स ने ममता को अपनी फ्रेंड बनाने से मना कर दिया था बिकॉज, क्योंकि शी केम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन एंड वॉज नॉट रिच, क्योंकि वो एक छोटे से कस्बे से थी और रिच भी नहीं थी, पैसे वाली भी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, व्हाट वाज द चैलेंज बिफोर ममता। ममता के सामने क्या चैलेंज था? आंसर क्या होगा, द चैलेंज बिफोर ममता वाज टू प्रूव हरसेल्फ अ गुड बास्केटबॉल प्लेयर। ममता के सामने ये चैलेंज था कि उसको खुद को एक अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर प्रूव करना था एंड विन द ट्रॉफी, और ट्रॉफी जीतनी थी इन द इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप दैट ईयर। तो उस साल जो इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप होने वाली थी उसमें उसको ट्रॉफी जीतकर खुद को एक अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर साबित करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विच रिमार्क ऑफ द कोच टेस्ट ममता। तो ऐसी कौन सी टिप्पणी थी, ऐसी कौन सी बात थी कोच की जिसने ममता के हार्ट को टच किया? तो आंसर क्या होगा, द कोच मेड द रिमार्क टू रीमा दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू विन द ट्रॉफी सिंस ही स्टार्टेड प्लेइंग बट मे बी दिस ईयर दे वुड विन बिकॉज ऑफ ममता, दैट रिमार्क ऑफ कोच ट्रस्ट ममता। तो जब कोच ने एक टिप्पणी की थी रीमा को, क्या कहा था रीमा से कि अगर दैट हैव यू नॉट बीन एबल टू विन द ट्रॉफी Since he started playing, तुम अभी तक कोई भी ट्रॉफी जीतने में सफल नहीं हुई हो जब से तुमने खेलना शुरू किया है, बट लेकिन मे बी दिस ईयर, या हो सकता है कि इस साल दे वुड बीन बिकॉज ऑफ ममता, वो शायद ममता की वजह से जीत सकें। सो ये रिमार्क ममता को बहुत पसंद आया था,
जो कोच ने उसके फेवर में किया था। आई होप आपने स्टोरी पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी एक्सप्लेनेशन की लिंक डालूंगी, आप उसको जरूर चेक करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड द फाइटर इन ममता कम आउट, कैसे ममता के अंदर का जो फाइटर था वो बाहर कैसे आया। तो आंसर, द स्नाइड रिमार्क्स मेड बाय हर टीममेट्स, तो जो रिमार्क्स उसकी टीम की मेंबर्स करते थे ममता को लेके, उसकी वजह से ब्रॉट आउट, बाहर निकल कर आया द फाइटर इन ममता, ममता के अंदर एक फाइटर बाहर निकल के आया। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट मेड ममता विन द रेस, क्या चीज थी जिसकी वजह से ममता रेस जीत सकी, क्या ऐसा था जिसने ममता को ऐसा बना दिया कि वो रेस जीत जाए। सो आंसर क्या होगा, ममता वॉज फास्ट रनर, ममता एक बहुत ही फास्ट रनर थी, एंड शी हैड अ स्ट्रॉन्ग लेग मसल्स, उसके जो पैरों के मसल्स थे वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, एंड गुड स्टेमिना, और उसका स्टेमिना जो था वो बहुत अच्छा था, मतलब वो जल्दी नहीं थकती थी। ऑन टॉप ऑफ दैट शी वॉज ऑल्सो टॉल फॉर हर एज, और सबसे अच्छी बात यह कि वो सबसे ज्यादा लंबी भी थी। दीज क्वालिटीज एंड हर स्ट्रॉन्ग विल पावर, ये सारी की सारी क्वालिटीज और उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति जो थी, उसने उसको ऐसा बना दिया कि वो ये रेस आसानी से जीत सके, ये तो सभी में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ वॉज ममता एबल टू चेंज हर इमेज इन स्कूल, ममता कैसे सफल हो पाई अपनी इमेज को स्कूल में बदलने में, कैसे बदल पाई वो अपनी इमेज। तो ममता वॉज एबल टू चेंज हर इमेज इन स्कूल बाय विनिंग द रेस एंड ट्रॉफी, कैसे उसने बदली अपनी इमेज, एक एक तो उसने रेस जीती प्लस बास्केटबॉल चैंपियनशिप में ट्रॉफी भी जीत ली, तो इस तरह से अब सारे लोग उसको अच्छे से वेलकम करते, अच्छे से ट्रीट करने लगे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डिड द गर्ल्स नॉट होप टू विन द कॉम्पिटिशन, क्या जो लड़कियां थी बास्केटबॉल टीम की, उनको ऐसी होप क्यों नहीं थी कि वो मैच जीत सकती हैं, ऐसा क्या कारण था कि उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि हम इस बार मैच जीत पाएंगे। तो आंसर होगा, द गर्ल्स डिड नॉट होप टू विन द कॉम्पिटिशन बिकॉज ममता वॉज मेड द कैप्टन ऑफ द टीम, उन लोगों को होप इसलिए नहीं थी क्योंकि इस बार ममता को टीम का कैप्टन बना दिया गया था, और एज आई टोल्ड यू कि ममता को अनवेलकम तरीके से ट्रीट करते थे, ठीक है, उसको रिमार्क करते थे बहुत ज्यादा, तो उन लोगों को पसंद नहीं था, उन्होंने कहा अरे इस बार तो मैच हम जीत ही नहीं सकते, ऐसा उन्होंने सोचा। सो एंड शी हैड नेवर प्लेड बास्केटबॉल बिफोर, कैप्टन तो बना दिया जबकि उसने आज से पहले कभी भी बास्केटबॉल नहीं खेला था। तो हाँ, प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक अनबिलीवेबल पॉइंट होता है कि जिस इंसान ने कभी खेला ना हो और उसको आप सीधा टीम का कैप्टन बना देते हैं तो लोगों को होप नहीं होती है कि हम कंपटीशन जीतेंगे, बट हम नहीं जानते कि जिसको बनाया गया उसके अंदर क्या विल पावर है, क्या क्वालिटीज हैं, और उनको बेहतर करके वो मैच जीत जाती है। बी, आंसर द क्वेश्चन 3 और 4 सेंटेंसेस, अब जो हमें आंसर्स लिखने होंगे वो 3 और 4 4 लाइंस के होंगे, ठीक है, 3 और 4 सेंटेंसेस में होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वॉज ममता इल ट्रीटेड बाय हर क्लासमेट, तो ऐसा क्या था जिसकी वजह से ममता के जो क्लासमेट्स थे वो उसको इल ट्रीट करते थे, गंदा बर्ताव करते थे। आंसर, ममता कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, क्योंकि वो एक स्मॉल टाउन से थी और एक स्मॉल स्कूल से थी, शी वॉज ऑल्सो नॉट फ्रॉम अ रिच फैमिली, उसकी जो फैमिली थी वो भी बहुत रिच नहीं थी लाइक अदर गर्ल्स, जबकि दूसरी लड़कियां काफी रिच और हेल्दी फैमिली से थी। सो हर क्लासमेट्स इल ट्रीटेड हर, इसीलिए उसकी सारी क्लासमेट्स उसके साथ इल बिहेव किया करती थी, इल मीन्स बुरा बर्ताव, दे थॉट शी वॉज टू लो इन स्टेटस बाय देयर स्टैंडर्ड्स, वो सोचती थी कि ये उनके वो बहुत ही ज्यादा लो स्टेटस से है, उनके स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करती है, इसीलिए वो लड़कियां ऐसा करती थी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द कोच सपोर्ट ममता, कोच ने कैसे ममता को सपोर्ट किया था। तो द कोच सपोर्टेड ममता बाय शोइंग हिज कॉन्फिडेंस इन हर, कोच ने अपना जो कॉन्फिडेंस था वो ममता में दिखाया। ही सेड दैट शी हैड अ गुड पासिस, उन्होंने कहा कि उसके पासिस बहुत अच्छे हैं, एंड वॉज फिजिकली फिटर देन एनीवन एल्स इन द टीम, साथ ही वो टीम में बाकी लड़कियों से ज्यादा फिट है।
He also remarked that maybe that year they may win the trophy because of her. और उन्होंने उससे कहा कि हो सकता है कि इस साल हम ममता की वजह से ट्रॉफी जीत सकें. तो इस तरह से कोच ने ममता को काफी सपोर्ट किया था. क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डिड ममता'स टीम मेक हिस्ट्री? ममता'स टीम मेक हिस्ट्री बाय रीचिंग द फाइनल्स एंड इन द कॉम्पिटिशन ऑफ द फर्स्ट टाइम एंड विनिंग इट टू. पहली बार हिस्ट्री में ममता की जो टीम थी, स्कूल टीम, वो पहली बार फाइनल्स में पहुंची थी और ना केवल फाइनल्स में पहुंची थी बल्कि उसने ट्रॉफी भी जीती थी. क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट मेड ममता अ गुड बास्केटबॉल प्लेयर? क्या चीज थी जिसने ममता को एक अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर बनाया? सो आंसर होगा ममताज डेली प्रैक्टिस एंड फर्म डिटर्मिनेशन मेड हर अ गुड बास्केटबॉल प्लेयर. ममता रोज बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करती थी और उसका जो डिटर्मिनेशन था, इच्छा शक्ति थी, वो बहुत ज्यादा कठोर थी, फर्म थी. उसने बस तय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, ये वाला तो मैच हमें जीतना ही है और ट्रॉफी लानी है. तो इन सब चीजों ने ममता को ऐसे बना दिया, मेड हर अ गुड बास्केटबॉल प्लेयर. तो इन सब चीजों ने उसे अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर बना दिया. शी वॉज गुड इन पासिस एंड कुड ईजिली ग्रैब द बॉल बिकॉज ऑफ हर हाइट. उसके पासिस बहुत अच्छे थे एंड वो आसानी से ग्रैब कर सकती थी, पकड़ सकती थी बॉल को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइटेड थी. शी वॉज ऑल्सो गुड एट ऑफेंस एंड डिफेंस. उतनी ही ज़्यादा वो अच्छी थी किसमें, ऑफेंस करने में, आक्रामक होने में, और डिफेंस करने में यानी कि बचाव करने में. अगर अपनी टीम को बचाव की ज़रूरत है तो वो अच्छे से अपनी बॉल को बचा के रखती थी. अगर पास करना है, ऑफेंस करना है, तो वो भी बहुत अच्छे से करती थी. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट वर द क्वालिटीज दैट हेल्प ममता बिकम इंडिस्पेंसेबल फॉर द टीम? क्या चीज थी जिसने ममता को उसकी टीम के लिए इंडिस्पेंसेबल बना दिया? ममता का जो डिटर्मिनेशन था, आंसर क्या है? ममता'स डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क मेड हर इंडिस्पेंसेबल फॉर द टीम. तो अब ऐसा बना दिया कि उसकी, ममता का जो डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क था, उसने ऐसा बना दिया कि अब उसको टीम में बहुत उसकी ज़रूरत महसूस होने लगी. शी पुट ऑल हर अटेंशन एंड कंसंट्रेशन ऑन हर प्रैक्टिस. वो अपना सारा ध्यान, अपना सारा कंसंट्रेशन कहाँ लगाती थी? अपनी प्रैक्टिस पर एंड गोल टू सक्सीड. और गोल करती थी किस लिए? सफलता प्राप्त करने के लिए. अमेजिंग स्टोरी. So, सारे आंसर्स यहाँ खत्म होते हैं. इफ़ यू रियली लाइकिंग द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. सब्सक्राइब किए बिना मत जाना. प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर द वीडियो. थैंक यू सो मच.